मार्केट हो सिर में मारेंगे क्या तुम्हारे सोने खातर होटल चाहिए नहीं मिलेगा होटल तो गाड़ी में रात बिताओ चाहिए। गाड़ी खाली करने के बाद में पूरा सामान दोबारा से पैक कर लिया। आज अब हम लोग जो महाबलीपुरम से निकल रहे हैं और आगे जा रहे हैं चेन्नई की तरफ। अभी हम लोग पेट्रोल पंप पे आए हैं। आज तक ऐसे हुआ तो नहीं है पर आज पहली बार ऐसे हुआ है कि गाड़ी के अंदर पेट्रोल बिल्कुल ही खत्म, टंकी एकदम ही खत्म। मुश्किल से गाड़ी दुलाने 4-5 किलोमीटर गया था। फुल करना है फुल। एक दिन मतलब पहले भी ऐसे लगा था, कल नहीं परसों कल भी परसों फिर मैंने दोबारा भरवाया नहीं। मुझे ऐसे लगा कि भाई काफी कम हो गया, मान लो 20% तक आ गए। और आज अब बाहर खड़ी थी रोड पे, हाँ गाड़ी के अंदर लाइन ब्लिंक करती है, उसके बाद में भी 30-40 किलोमीटर हम लोग चला लेते हैं। आज मुश्किल से 4 किलोमीटर भी गाड़ी नहीं चल पाई, ऐसे झटके मारने लगे। बड़ा मुश्किल से पंप तक आए। महाबलीपुरम से हम लोग निकले थे कि यहाँ पर एक क्रोकोडाइल बैंक आया है। घड़ियाल है यहाँ। ये एक तरह से प्राइवेट म्यूजियम की तरह है। ये थोड़ा सा पानी का इस तरह से बना दिया और इसके अंदर ये घड़ियाल रखे हुए खूब सारे, और इतना नजदीक से आज तक नहीं देखा हमने। यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े ऐसे मगरमच्छ है। इतना देख मुंह उबा के बैठे हमसे सिर्फ 3 फीट की दूरी पर है ये, 3 या 4 फीट मुश्किल से। किसी जीव का पहली बार ऐसे देखा है, मुँह एकदम अंदर से सफेद है। कोलगेट करके रखे एक्चुअली इनके क्या धूप चाहिए रहती है तो ये धूप के अंदर आकर यहाँ पड़े हैं। ये ठंड में पड़ा इधर। ये पानी के अंदर जाएगा। बहुत है यार, पूरा बाड़ा भरा पड़ा है इनके। यही काम है शायद इनका, तो बिजनेस शायद यही है। चिकन गोश्त मीट, गोट गोश्त मीट, फिश फिश चिकन गोश्त मीट आल्सो दे विल ईट बिकॉज़ गोट मीट वेरी टू दिस इज प्राइवेट लाइसेंस्ड बाय गवर्नमेंट। सेंट्रल जू अथॉरिटी कंट्रोल, सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल अथॉरिटी, सेंट्रल जू अथॉरिटी, जू अथॉरिटी। हाउ मच टोटल क्रोकोडाइल हियर? हियर इज मोर देन 1000+ 1000+ क्रोकोडाइल। या डिफरेंट वैरायटीज। इतना नजदीक से घड़ियाल पानी के अंदर आगे कहां से लगा हुआ है, पहली बार हमने देखा है। ओए 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 इना ये वो घड़ियाल है क्या? हां घड़ियाल, ओए घड़ियाल ही नाम है घड़ियाल। ओके है देख सांस किया ले अभी पानी के अंदर ऊपर मर कुल्ला लग गयो है नहीं ऊपर से वैसे खुला है पर ये सांस कैसे ले रहा होगा पानी के अंदर? नहीं पता नहीं अभी पूरा पानी के अंदर है ऐसे। हां तो कनवाड़ा भी है हां देखिए हैं निकले निकल दो एकदम नजदीक से एकदम नजदीक से कितने कर दे पानी में सुनी जा थोड़ी अच्छी बात करे यार। ए ए ए पाछो आगे देख नीचे आगे। अरे वाह एकदम नजदीक से एकदम नजदीक से। ये कछुआ रख रखे हैं इनको खाने के लिए हो गया है। फूड नो ईटिंग फिश ईटिंग ओनली। ये बता रहे हैं कि कछुए जो घूम रहे हैं इनको ये खाता नहीं है, ये सिर्फ मछलियों को ही खाते हैं। यहाँ पर मछलियाँ डाल रखी हुई हैं। यू फीड एवरी डे फिश? ये देखो ऐसे लग रहा है जैसे छत हो पानी के ऊपर। ऊपर जा सकते हैं ना पर ऊपर से ये नहीं दिखेगा। मछली देखी? Did you know crocodiles can stay underwater for over 1 hour without coming up for air? 1 घंटे तक जो है वो ये मगरमच्छ पानी के अंदर रह सकते हैं इसका बिना हवा के। इसका मतलब ये हुआ ये मछली की तरह नहीं होते हैं। ये तो ये बात होगी कि 1 घंटे तक सांस रोक के रख सकता है। हाँ अगर हम लोग जाते आदमी चले जाते होते तो मरते नहीं पानी में, कभी भी नहीं मरते। 1 घंटा हम तो कौन मरे आधे नहीं। नॉर्मली हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीते हैं तब सी ऐसे कर रही है। एक बार और ट्राई कर दिखा। ट्राई ये बहुत दिनों बाद में ली है आज पहली बार। पूरा
आपको यकीन नहीं रहा होगा इतने हम लोग घूम लिए लेकिन ऐसी चीजों से दूर ही रहे हैं ज्यादातर। तभी ये गोली की बोतल को ऐसे घुमा घुमा के देख रही है। पियो ही पहला कभी गोली बोतल? इसने आज तक नहीं पी सोडे वाली। हाँ आके मन न पा दियो पहले फुर्त मैडम नहीं न पा दियो ले क्योंकि हम लोग ऐसे फास्ट फूड और ये इन सब से ज्यादातर दूर ही रहते हैं। अब हम लोग यहाँ से आगे जा रहे हैं और नई नई जबरदस्त चीजें देखने के लिए। चेन्नई का बीच, चेन्नई का बीच, चेन्नई का बीच, बीच है हमारा चेन्नई का बीच। भले भले ओ बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है शहर की। यहाँ से हम लोग अब ये लगभग पहुँच गए चेन्नई और सामने दिख रही है ये मस्जिद। एक्चुअली हम लोग मद्रास पहुँच गए। ये मद्रास है, चेन्नई मद्रास एक ही बात है। ये पूरा खड्डे वाला बीच है भाई। बैठता है मैं जाऊँ नहीं तो 5 फीट आराम। चप्पल गई मेरी चप्पल गई। ये तो मम्मी गंगा सारी आ गई वापस आ गई। पकड़ 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 ले पकड़ तेरी चप्पल वापस आ गई। क्या मत जाने बेटा इतनी बारिश आ गई। चलो चलो मत्स्य नारायण मंदिर है वो खुल गया है यहाँ पर दर्शन कर लेते हैं उसके बाद में आगे चलेंगे। एक्चुअली नया मंदिर बना है ये मत्स्य भगवान का और खास बात ये है कि ये ओपन मंदिर है। कोई उस तरह से ऊपर की साइड में कंस्ट्रक्शन नहीं है सीधा ओपन। आज हम लोग जो बहुत लेट हो गए बाहर ही खाना खा रहे हैं रेस्टोरेंट के अंदर खा के जाएंगे। यहाँ पर बीच के किनारे बहुत रिसोर्ट बने हुए हैं इसलिए हमें रूम ढूंढने में टाइम लग गया और अब रात के करीब 7:30 बज चुके हैं। तो ये कितने भी अच्छे मतलब होटल में खाना खाने के लिए आ जाए लेकिन फिर भी घर वाले जैसा नहीं लग रहा पता नहीं क्यों। मतलब पहले बहुत ज़्यादा शौक होता था आजकल तो जिम खान पड़ा दी थी। पहले पसंद हो गए बहुत ज़्यादा पहले पसंद अब नहीं है अब बिल्कुल ही कौन मतलब भी तो अच्छा कौन लागे खाना खा पहले से कम मन तो इसी जिम खान पड़ा ही है कितने ही तकना मुड़ जाओ चाहिए घर वाली चौकी लागे। पहले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी मतलब डोसा इडली का बहुत ज़्यादा शौक था मतलब कभी कभी कहीं खाते थे तो बहुत अच्छा लगता था लेकिन अभी एक्चुअली आज हम लोग जो काफ़ी लेट हो गए अभी रात के 11 बज रहे हैं और हम लोग जो है ये चेन्नई मान लीजिए यहाँ पर आ चुके हैं। एक्चुअली हुआ ऐसे कि अभी लेट रूम बड़ा ढूंढ करके मुश्किल से शहर में आने के बाद हमारे तो फिर वो महंगे महंगे रूम और वो शुरू हो जाता है। जैसे अभी चेन्नई के अंदर आ गए तो यहाँ पर ये आज हमने 3,500 रुपये का होटल लिया है ये भी बड़ा मुश्किल से। इससे पहले हमने क्या किया था एक ऑनलाइन बुक किया था वायु से तो जैसे ही हमने बुक किया था नॉर्मली हम लोग जाके ही करते हैं ऑनलाइन नहीं करते हैं तो क्योंकि जाने के बाद में उनका व्यवहार फिर अलग ही होता है। आज हम गए तब क्या हुआ जाने के बाद में उन्होंने बोला कि नहीं आप ऑनलाइन पे मैंने ऑनलाइन ऐप के ज़रिए पेमेंट नहीं किया था जाने के बाद में मैं पेमेंट कर रहा था भी ऐप के ज़रिए रूम देखने के बाद में बिना देखे उसका भी कैसे पता चले कैसा है क्या है तो कर रहा था तो उसमें डिस्काउंट मिल रहा था। उन्होंने कहा नहीं आप सीधा कैश दो तब करेंगे वरना आप वापस चले जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है कैश देना पड़ेगा कर दिया कैश दे देते हैं। लेकिन जैसे मैं कैश देने वाला था उन्होंने उधर से गेस्ट हम लोग 2 गेस्ट थे उन्होंने अपने मॉडिफाई बुकिंग करके अपनी ऐप अपनी साइड के जरिए होटल वालों ने कर दिया 3 गेस्ट तो उससे क्या है कि पैसे वापस बढ़ गए मुझे कह रहे अब जितने आप दिखा रहे हैं उतने कर दो। मैंने कहा ये अचानक चेंज कैसे हो गया अभी मैं तो नहीं करूँगा जो पहले अमाउंट बता रहे थे मैं तो वही करूँगा। तो उस बात को लेकर उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया हमारे साथ में और हम लोग वहाँ से आ गए। उसके बाद में हमने उस होटल की जो कंप्लेंट भी की लेकिन हमारा टाइम तो ख़राब हो ही गया। फिर काफ़ी देर ढूंढने के बाद में यहाँ पर अच्छा हुआ हमने टाइम से पहले खाना बाहर ही खा लिया था। चलिए बड़े शहरों के महंगे एक्सपीरियंस ये तो होने ही है। और एक ये चीज़ मैंने मंगवाया एक्चुअली
मेरे कैमरे का जो कार्ड है मेमोरी कार्ड वो कई दिन से दिक्कत कर रहा था, ये फिर मैंने ऑनलाइन मंगवाया। एक्चुअली ये है सैंडिस्क एक्सट्रीम प्रो 256 GB 5686, इसकी प्राइस अभी बता रहा, देखिए ये मंगवाया मैंने। नहीं मिलेगा होटल तो, गाड़ी में रात बिताओ चाहिए। कल भी हम लोग बहुत परेशान हुए इस होटल को लेकर के, और ओयो से बुक किया, फिर गए होटल में, कल वाली स्टोरी कल बताई, बहुत परेशान किया। आज फिर गए, आज देख लिया जा करके, कह रूम नहीं है, सामने वाला बोल देता रूम नहीं है तो कहाँ जाए, कहीं तो मिलेगी। दिन गुजर जाता है, रात नहीं गुजरती, हमारी समस्या ये हो रही है, क्योंकि ये ऑनलाइन बुकिंग वाले में बाद में ऐसे ही करते हैं, ऑनलाइन सस्ते ऑफर मिल जाते हैं, वो होटल जो होते हैं जिनके होटल होते हैं उनते नहीं है, वो चाहते हैं ज़्यादा चाहिए। अभी मेरी तरह एक व्यक्ति और है जो 5 बजे बुकिंग की थी और यहाँ पर अब भटक रहे हैं रूम के लिए, क्योंकि उनको भी नहीं मिला, तो परेशानी इसीलिए होती है। मिल गया भाई साहब रूम? नहीं नहीं कुछ नहीं मिला, मैंने पूछा रूम में तो ये बोला नहीं बोला। वन सेकंड, तो जा रहा हूँ। आपने बुकिंग किया था कि ओयो से? हाँ मैंने बुकिंग किया, मेरे को बुकिंग आईडी भी आया, कन्फर्म बुकिंग हुआ था, और फिर होटल पे आने के बाद नहीं मिला। ठीक है, हाँ मुझे पता है क्योंकि मैं खुद ऐसे आपकी तरह तो घूम रहा हूँ। आप कहाँ से हो? मैं एपी से, विशाखापट्टनम भाई साहब। विशाखापट्टनम से भाई साहब, तो देखो कितनी दिक्कत हो रही है। ये रीजन ओयो है सिर्फ, क्योंकि ओयो है, इनको खुद के अपना नंबर डालना चाहिए। वो उसको बोल रहा है कि उसको पता नहीं है, पता नहीं है। जब मैप पे होटल सर्च करो, खूब सारे होटल है, सब पे ओयो का नंबर है, होटल से कॉन्टेक्ट होता नहीं है और ओयो वाले बाद में ऐसे करते हैं। तो ये दूसरा दिन, और दूसरे दिन भी सेम उसी होटल के अंदर हमें आना पड़ा, पूरे 4 घंटे तक इधर उधर घूम के। पिछली नाइट को भी हमारे रूम से रिलेटेड समस्या हुई थी, और इस बार भी आज भी वही थी, और ऐसी दिक्कत हमने आज तक एक्सपीरियंस नहीं की है। सबसे ज़्यादा बुरे टाइम से हम लोग गुजरे हैं इन 2-3 दिनों के अंदर, सबसे ज़्यादा बुरे टाइम से। आज इस रूम का किराया है 4,500 रुपये जहाँ पर हम लोगों ने ये रूम लिया है, और आज फिर हम लोगों ने सोचा खाना भी जाके की बनाएंगे, तो अभी खाना रूम के अंदर ही बना रहे हैं। तमिलनाडु को इसने सस्ता कर दिया पूरे चेन्नई ने। इतना महंगा तमिल, अरे महंगा सस्ता छोड़ो यार, रूम नहीं मिल रहे, बुकिंग कर लो। सबसे ज़्यादा दिक्कत इस ऑनलाइन बुकिंग वाले प्लेटफॉर्म की वजह से हुई, सच्ची मैं बात बताऊँ, पूरा हो क्या रहा है। आपने भी एक्सपीरियंस किया, वो जो भाई साहब मुझे मिले थे उनका भी आपने देखा भाई यार, अगर मैप के अंदर होटल सर्च करेंगे तो खूब सारे होटल है, लेकिन दिक्कत कहाँ है, उन सारे होटलों ने खुद के नंबर नहीं दे रखे, वहाँ पर नंबर एक ही कंपनी के दे रखे हैं, और उसी को ऑनलाइन के लिए आप कॉल करो। अगर मैं मान लो होटल वालों को पूछूं भाई साहब रूम है क्या, तो नंबर ही नहीं है उनके, मैं कैसे पूछूं। जो बड़े बड़े होटल है, जैसे ये बड़ा होटल है जिसका किराया भी 4,500-5,000 रुपये का है, तो इन्होंने अपने खुद के नंबर दे रखे हैं। और ऐसे दूसरे कोई भी होटल है ना, वो क्या करते हैं, वो जानते हैं कि भाई ऑनलाइन मैप के अंदर से हम लोग हटा सकते हैं, तो उन्होंने खुद के नंबर दिए हैं और देने भी खुद के ही चाहिए। अगर मैं किसी को फ़ोन करके करूँ और उसके बाद में जिसका होटल है अगर उसके नंबर मिल जाए, तो इससे अच्छा क्या है कि वो बता देंगे कि रूम है या नहीं है, कि कितने रुपए का फाइनली। अभी इसमें ये ऑफर आते हैं ऑनलाइन वाले, 1500 रुपये का रूम है, वो 900 रुपये ऑफर में चल रहा है, 1000 में ऑफर में चल रहा है, हम लोग फिर सोचते हैं कि चलो ठीक है ऑनलाइन में मिल जाए, भाई सस्ता मिलेगा तो उसे कौन ठुकराएगा, और जाते हैं तो वो तो फिर वैसे ही करनी काटने लग जाते हैं कि ऑनलाइन अगर सैटरडे संडे वैसे ही बुकिंग ज़्यादा होती है उसमें, तो ये बहुत झंझट वाला चल रहा है, बहुत सारी समस्याएं हैं। चलो ठीक है, 4,500 रुपये का रूम दिए, फिर भी साथ में गुदड़ देखे हैं। हाँ ये गुदड़ देखे हैं साथ में, क्योंकि सोने के लिए, क्योंकि हमें अब ये देखो ये इतना है, 1 फीट 1.5 फीट 1.5 फीट का स्प्रिंग वाला गद्दा है। बड़े होटलों के अंदर ठीक से बिस्तर जो अपने को नॉर्मल चाहिए वो नहीं मिलता, स्प्रिंग वाले मिलते हैं, उसके अंदर फिर कमर दर्द करती है आदमी पूरा जोड़ी के अंदर। बताऊँ कैसे होता है ये, इसका एक्सपीरियंस पुराने टाइम में अपने गांव के अंदर एक दो घर में चारपाई ऐसी होती थी जिसकी जोड़ी हो जाती थी काफ़ी दिन बाद में, मतलब उसको अगर टाइट नहीं किया हो तो इसके ऊपर सोते हैं, तो वैसा कुछ इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्प्रिंग भी नॉर्मल गद्दा चलो ठीक है, लोहे की स्प्रिंग डाल रखी होती है, हमें पसंद नहीं है भाई, हम अपनी बातें बता रहे हैं, हमें नहीं पसंद ऐसा, कई लोगों को तो अच्छे लगते हैं, हाँ कुछ लोगों को ऐसे पसंद आते हैं, वो ऐसे कूदने में अच्छे लगते होंगे पता नहीं। चलो ठीक है, आपसे अब मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, आप सब खुश रहें सुरक्षित रहें, हमारी तो यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में कभी परेशानियाँ नहीं आए। थैंक यू, बाय।